हेलो भाइयों, आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड आपके लिए बनाने जा रहा हूँ और इसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड भी मैं बनाऊंगा, यानी इससे आप डायरेक्ट लाइट को भी ले सकते हो और किसी चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हो। और इस बोर्ड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड से इसकी यहाँ पर बॉडी तैयार कर ली है, ये देखिए। और ये बॉडी कैसे तैयार की जाती है इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख करके इसे कटिंग कैसे करते हो वो सीख सकते हो। तो मैंने सारी दीवारें यहाँ पर तैयार कर ली थी और ये इसका सामने वाला हिस्सा है और यहाँ पर जितना भी सामान वो यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पर सॉकेट हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर स्क्रू की मदद से इनको हम टाइट भी कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पर इसमें स्क्रू से इसको भी हम टाइट कर देंगे। और अब ये बटन जो है, इस बटन को भी हम यहाँ पर लगा करके इसको भी हम इसी तरीके से नट बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सॉकेट और बटन इसमें लगा दिए हैं। होल्डर को भी मैं अभी लगाऊंगा, इनको फिलहाल टाइट कर देता हूँ मैं। अब हमारा बचा ये होल्डर, ठीक है। तो इस होल्डर को हम यहाँ पर ऐसे इसमें लगा देंगे, देखिए, और इसको यहाँ पर पेंच की मदद से हम टाइट भी कर देंगे। बाकी इसके चारों तरफ आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हो, जिससे कि ये और अच्छे तरीके से। तो भाई ये देखिए, हमने यहाँ पर होल्डर को अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपका दिया है और बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब चलिए इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें लीड का यूज़ करेंगे। लीड हमारे पास ये रही मेन लीड और यहाँ पर ये दीवार इधर रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें हम यहाँ पर एक होल करेंगे जिससे हम तार निकाल सके इसका। तो ये देखिए होल हो गया है। अब यहाँ पर ड्रिल की मदद से मैं इस होल को बड़ा कर लूँगा। तो भाई वो होल हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से कर दिया, ये देखिए, ठीक है। और अब चलिए, अब ये जो लीड है ना हमारी, तो इसका यहाँ पर ये तार वाला हिस्सा हम अंदर से इसमें लगा देंगे, ये देखिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन इसे हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एक तार को और जोड़ेंगे जो कि हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे इसमें, ओके। और अब चलिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। तो इसके सिंपल से कनेक्शन है, आप आराम से कर लोगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिया है, ओके। और ये जो दूसरा तार है, ओके, इसमें तार में भी हम यहाँ पर एक तार जोड़ देंगे। और अब चलिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, ये देखिए, ये हमने लगा दिया है। तो इसको हमने टाइट कर दिया और भाइयों देखिए, हमने मेन तार यहाँ पर लगा दिया और दो तार हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब ये जो हमारा यहाँ पर ये न्यूट्रल तार है ना, तो इसको तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। इसको मैं इतना काट देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सॉकेट में लगा दूंगा, दूसरे में। ये मैंने लगा दिया है, तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो और ये जो फेज तार है हमारा, तो इस फेज तार को हम यहाँ पर इसके होल्डर के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो होल्डर में जो तार लग रहा है इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने खोल लिया है। और यहाँ पर हम ये वाला तार को लगा देंगे, इसको यहाँ पर ये देखिए डाल दिया है। और अब चलिए इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इस तार को भी मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, इसमें भी हम एक नया तार ही लगाएंगे और नया तार भी ये रहा हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे इसमें, ये देखिए। तो भाई ये देखिए, ये हमने टाइट भी कर दिया है और अब इस तार को सीधा हम यहाँ पर इस स्विच में लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लगा लेते हैं, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है और अब इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिया है, आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर एक हमें तार और चाहिएगा, तो अब चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर और इसको भी हम टाइट कर लेते हैं, ओके भाइयों। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने टाइट कर दिया है और अब इसको यहाँ पर हम इसमें भी डाल लेते हैं। ये मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो। और अब इसे मैं यहाँ पर टाइट भी कर दूंगा, ये हमने यहाँ पर। तो भाइयों देखिए, हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से कनेक्शन बता दूं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें इनपुट आया दो तार लीड के, तो ये हमने यहाँ पर सीधे सॉकेट में लगा दिए, ये हमारा डायरेक्ट हो गया, ओके। अब यहाँ से हमने एक न्यूट्रल लिया, ये देखिए ब्लैक तार, और ये सीधा हमने यहाँ पर इस सॉकेट के इसी पॉइंट पर लगा दिया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर न्यूट्रल तो हमने दे दिया। अब हम यहाँ पर फेज देंगे, तो फेज हमने यहाँ से लिया, ये देखिए यहाँ से सीधा फेज आ रहा है और ये सीधा हमने यहाँ पर बल्ब के होल्डर में जोड़ दिया, ये देखिए, ठीक है। और होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हमने निकाला, सीधा स्विच में दे दिया, ये देखिए स्विच में जा रहा है। और स्विच का जो दूसरा पॉइंट है नीचे वाला, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया इस तार को और सीधा यहाँ से निकाल करके सीधा सॉकेट में दे दिया। तो इसका मतलब है फेज यहाँ से आएगा ऐसे और सीधा बल्ब से होते हुए ऐसे यहाँ पर सॉकेट में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए, एक सॉकेट हमारा मेन हो गया और एक हमारा सीरीज
सीरीज का हो गया। तो सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, तो ये बहुत सिंपल से कनेक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे बाद में भी देख करके बना सकते हो, ठीक है। और अब चलिए इसके यहाँ पर पूरी बॉडी को हम चिपका लेते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर दीवारें हैं सारी, ये देखिए एक दीवार हमने इसमें लगा भी रखी है। चिपकाने के लिए हमारे पास ये ग्लूगन है, तो इस ग्लूगन से हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम चिपका लेते हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको चिपका रहा हूँ, और अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये वाली दीवार को भी चिपका लेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं चिपकेगी तब तक हमारी दूसरी दीवार यहाँ पर इसमें सही तरीके से बैठेगी नहीं, ठीक है। ये देखिए, और ये रही हमारी यहाँ पर इधर की दीवार, ठीक है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम इस तरीके से ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं आगे की दीवार को भी। तो भाई ये बोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। और अब चलिए इसके मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन दिखा दूँ। तो ये देखिए इसकी मेन लीड है, और यहाँ पर इसको मैं लगाऊंगा बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड हमारा वो रहा यहाँ पर, तो अब चलिए बोर्ड में लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने बोर्ड में लगा दिया है, ओके। और अब चलिए टेस्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर दो बल्ब है, ये देखिए। तो मैं आपको बल्ब को टेस्ट करके दिखाऊँगा। और जैसे मैंने बताया, पहला सॉकेट इसका डायरेक्ट है, और ये वाला सॉकेट इसका यहाँ पर सीरीज में है, ओके। तो यहाँ पर मैं, ये देखिए मेरे पास एक एक्सटर्नल होल्डर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ओके। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट है ना, तो बल्ब जल जाएगा। ये देखिए भाइयों, एकदम से डायरेक्ट में बल्ब जल जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो पीछे से हमारे कनेक्शन आ रहे हैं ना, वहाँ से, ठीक है ना, वो डायरेक्ट इसी में आ रहे हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पर ये जल रहा है, ये देखिए, ओके। लेकिन इस वाले सॉकेट में नहीं जलेगा ये डायरेक्ट, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज वाला सॉकेट है, ओके। इस सॉकेट का मतलब है यहाँ पर ये बल्ब जब जलेगा ना, तभी यहाँ पर ये करंट आएगा सॉकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप बड़ा लगा लो या छोटा लगा लो, फिलहाल मैं छोटा दिखा रहा हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पर छोटा सा तार है, ये देखिए। तो इस तार को मैं यहाँ पर लगा दूंगा इसमें, ठीक है, इसके सॉकेट में, ओके। और आप इसके स्विच को ऑफ करोगे तो ये नहीं जलेगा। आप देखिए मैं इस तार को यहाँ पर शॉर्ट करूँगा, ये देखिए ये नहीं जल रहा ना, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बटन ऑन करेंगे ये जल जाएगा, ये देखिए भाइयों, ठीक है ना। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, ओके, वो हमारा डायरेक्ट है, और ये हमारा यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है, ये देखिए। तो इसका मतलब है आप कोई चीज़ चेक करोगे ना, तो आप ऐसे तार लगाओगे तो वो चीज़ ख़राब है तो यहाँ पर ये बल्ब जल जाएगा, और वो चीज़ सही होगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। और अब चलिए यहाँ पर बड़ा बल्ब भी मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा बल्ब लगा दिया है, अब देखिए। तो इस तरीके से भाइयों, ये देखिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कीजिए, जैसे कि ये है यहाँ पर, अगर ये डायरेक्ट होगा तो बल्ब हमारा जल जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना भाइयों। अगर ये ब्रेक होता, यानी यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही होती, तो ये नहीं जलता बल्ब। तो इस तरीके से हम सीरीज कनेक्शन चेक करते हैं, और मैंने बटन बंद कर दिया, आप देखिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। ऐसे आपस में शॉर्ट करने से भी नहीं जलेगा, क्योंकि बटन के थ्रू है यहाँ पर, ओके। तो ये है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो आप इस बोर्ड को आसानी से यूज कर सकते हो। एक सॉकेट इसमें यहाँ पर डायरेक्ट है, यानी उसमें से आप डायरेक्ट सप्लाई ले सकते हो, और एक सॉकेट हमारा जो है वो सीरीज का है। तो भाई हमारा सर्किट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इस तरीके से आप इस बोर्ड को बना सकते हो और यूज में ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।